क्वेश्चन नंबर 69 2। देखिए पेज कंप्लीट कंप्लीट कर लेते हैं पहले। सेवेंटी फाइव तक। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बी फास्ट। इफ डाउट प्लीज आस्क, डाउट होगा तो पूछ पूछो। 75 तक करना हम लोग अभी पहले, सबसे पहले क्वेश्चन 69 संबड़ी ऑप्शन 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 डी। अरे वाटर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, राइट? कैन यू रिमेंबर वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 290 केल्विन? 290 में कितना होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? 10⁻¹⁰ Yes. Hello sir. हाँ बोलो ना। सर आपने क्या बोला, नहीं सुना। What is the ionic product of water at temperature 373 Kelvin? 373 Kelvin पे। -12 याद रखो सब लोग। फॉर बॉइलिंग वाटर केडब्ल्यू वैल्यू इज 10⁻², इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके क्वेश्चन 70 एसिडिक। क्यों एसिडिक? सर क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो क्या हुआ? पीएच अगर आप सॉल्यूशन में, अगर आप पानी में बेस डालोगे तो सॉल्यूशन एसिडिक कैसे होगा? इफ यू आर बेस इन वाटर व्हाट विल यू गेट? बेसिक बेस और एसिड। देखो अगर व्हाट इज प्योर वाटर, प्योर वाटर माइनस आयन, राइट? यस सर। आप कितना भी कम बेस डालो सॉल्यूशन में ज्यादा क्या होगा, एच प्लस आयन या ओएच माइनस आयन? न्यूट्रल वाटर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एच प्लस इक्वल नंबर ऑफ ओएच माइनस, बट इफ यू आर बेस फ्रॉम आउटसाइड तो व्हाट विल बी मोर इन नंबर, एच प्लस आयंस और ओएच माइनस आयंस? ओएच माइनस आयंस। इट हैज टू बी ऑलवेज बेसिक ना, बेसिक। आप कितना भी कम चलो पर प्रॉब्लम क्या है, आपके पास ओएच का नंबर एच प्लस से ज्यादा होगा ना अगर सॉल्यूशन में बेस, आप इफ यू आर इन हाइड्रोक्सिल आयन देन एग्री? यस सर। ओके पीएच केन वाज इंट्रोड्यूस बाय सोरेनसन ऑप्शन डी। ओके ऑप्शन 72 का ऑप्शन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बराबर है, ठीक है।
ऑप्शन सी रॉन्ग होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, देखते हैं कैसे, मुझे लगता है ऑप्शन बी होगा। एक मिनट, हाँ तो स्लोप टू द बेस टू एच प्लस वो नीचे जाएगा। हाँ बता तो कैसे होता है, व्हाट इज पीएच, पीएच क्या होता है, माइनस लॉग टू द बेस टू एच प्लस, माइनस लॉग टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस एन डिवाइडेड बाय क्या, वन ना, कुछ नहीं मतलब वन ना। हाँ यस सर। अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ, प्लस लॉग टू द बेस 10 क्या आएगा, वन अपॉन एच प्लस, बराबर है, हाँ या ना, बिकॉज लॉग माइनस लॉग ऑफ वन अपॉन ए क्या होता है, प्लस लॉग ऑफ ए अपॉन वन एंड वाइस वर्सा। तो क्लास आपको ये उल्टा करोगे तो लॉग माइनस बिकम लॉग प्लस, ये क्लियर है, क्या होगा 72 का, ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इजी है बहुत ज्यादा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस अगर आप कुछ नहीं करोगे मैं ही करूंगा तो कुछ मजा नहीं है, एक ही स्टूडेंट मुझे आंसर दे रही है, 73 राइट, हाँ प्लस पीएच कितना है, 10^2 माइनस है राइट, तो एच प्लस कितना होगा, क्या फॉर्मूला था, एच प्लस इज इक्वल टू 10^2 माइनस पीएच, ये फॉर्मूला था मैंने आपको बताया था राइट, तो कितना आएगा, 10^2 तो पीएच 10^2 माइनस कर दिया है, हाँ नहीं सर कॉन्सेंट्रेशन दिया तो कॉन्सेंट्रेशन दिया तो और अच्छी बात है, हाँ तो क्लास सही बोल रहा, मैंने कुछ गलती कर रहा हूँ, हाँ तो एच प्लस कितना है, और HCl है, HCl स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट कंप्लीटली राइट, कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग एसिड, H+ प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, C(N) फैक्टर राइट, कॉन्सेंट्रेशन दिया 10^-3, व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ HCl क्विकली, 1 तो कितना आएगा 10^-3 बराबर है, तो पीएच कितना आएगा, माइनस लॉग टू द बेस 10 एच प्लस, ओरली बता सकते कितना आएगा पीएच, 3 आएगा राइट, ओके इफ इट इज डायल्यूटेड 1000 टाइम्स, मतलब आप सोल्यूशन को 1000 टाइम डायल्यूट करोगे, इफ डायल्यूट 1000 टाइम्स तो आपका एच प्लस क्या होगा बोलो, तो सी क्या होगा 1000 टाइम डाउनलोड किया तो, सी क्या होगा 1000 टाइम डाउनलोड किया तो, सी होगा 10^2 माइनस 3 अपॉन 1000 राइट, न्यू कॉन्सेंट्रेशन, आप बोल रहे हो कि आप सोल्यूशन को 1000 टाइम डाइल्यूट कर रहे हो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो ओरिजिनल था कितना 10^2 माइनस 3, तो उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्लास कितना आएगा 10^2 माइनस 6 आएगा राइट, what is H plus? C into N factor. So 10^-6 into 1. So 10^-6 हो गया. Next factor को कितना आएगा? 6 आएगा, right? So which answer is very close to 6? Which answer is close to 6? सर सी और डी दोनों क्लोज है, कौन सा सी एंड दिखाओ, सी एंड डी, हाँ मुझे बताओ 10^2 माइनस 6 है ना, हाँ तो 6 होगा, मुझे बताओ सोल्यूशन में एच प्लस आयन हो गया वाटर के, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, सोल्यूशन में एच प्लस आयन हो गया वाटर के, हाँ तो पीएच थोड़ा सा क्या होगा 6 से कम होगा, कम होगा वेरी गुड, आंसर क्या होगा 5.
73 हो गया. नेक्स्ट ट्राई करो 74. बाकी लोग इस क्लास में है ही नहीं क्या? प्लस किसको ये नहीं समझा मुझे बोलो, मेरे पापा बता सकता हूँ आपको क्वेश्चन में 73 अगर आप पूछोगे तो. आपको जरूरत नहीं है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. हेलो प्लस अगर यहाँ पे 5.98 या 6 देखो अप्रोक्सीमेट आंसर निकालते तो उनका आंसर कितना था बोलो? 6 आता है. यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, 5.98 भी दिया 6.02 भी दिया राइट, तो अपना आंसर क्या होना चाहिए 5.98 या 6.02? तो उसका एक्सप्रेशन सर आपने बताया था कि वाटर में H प्लस आयन, वाटर में OH तो भी है ना सर. हाँ पर आपको पूछा क्या, पीएच पूछा है, पीओएच पूछा है, पीएच पूछा है, क्या लेना पड़ेगा? हाँ H प्लस ही लेना पड़ेगा. हाँ सर, अगर पीओएच रहता तो 6.0. हाँ सिर्फ पीओएच होता ना. हाँ पर वो पीओएच पीओएच होते तो कितना आता उसका 6.02 आंसर आता पीओएच पूछते तो. समझा तुम्हें? देखो बाकी लोग को तो दोनों नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है मुझे स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट सिर्फ क्लास में इंटरेस्ट ले रहा है. ठीक है तो मैं बताता हूँ, मुझे लगता है मुझे जरूरत है. तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, निगेटिव लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन. मतलब आपका आंसर उन्होंने एग्जैक्टली 6 नहीं दिया, मतलब उन्होंने क्या किया है वाटर का भी एच प्लस कंसिडर किया राइट. तो माइनस लॉग टू द बेस 10 एच प्लस आयन, ये एसिड के राइट. अगर आंसर एग्जैक्टली 6 नहीं दिया मतलब उन्होंने वाटर का भी H प्लस आयन कंसीडर किया राइट. दिस इज फ्रॉम एसिड, प्लस दूसरा H प्लस आयन किसका होगा, फ्रॉम वाटर राइट. ओके एसिड का तो हमें पता चला 10^-6 राइट, वाटर का कितना होता है 10^-14 -7 बेटा. 10^-7 वाटर का -7 होता है, 10^-6 प्लस लॉग टू द बेस 10 10^2 कितना एक्चुअली ये ऐसा कितना होगा, सॉरी ये मैंने गलती किया, बड़ा लॉग बाहर रखना चाहिए ना. तो क्लास ये फॉर्मूला अपना, ये नॉर्मल फॉर्मूला है वो हमेशा काम नहीं करता सॉरी, ये अपना पीएच का फॉर्मूला है. पर हमें अगर आंसर एग्जैक्टली 6 नहीं दिया है, दिया होता तो अपना आंसर 6 ही लिखते हम लोग, पर एग्जैक्टली 6 नहीं दिया तो हमें वाटर का भी एच प्लस आंसर करना है. तो माइनस लॉग टू द बेस 10 ब्रैकेट के अंदर एच प्लस फ्रॉम वाटर एंड एच प्लस फ्रॉम क्या, फ्रॉम एसिड, दोनों में कंसिडर करना पड़ेगा. ऐसा करोगे तो माइनस लॉग टू द बेस 10 10^-7 प्लस 10^-6. तो क्लास को अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस लॉग टू द बेस 10 0.1 इंटू 10^-6 ऐसे लिख सकते हम लोग, प्लस 10^-6 राइट. इसको आप लोग कॉमन लोगे तो माइनस लॉग टू द बेस 10 टेक 0.1 एज अ कॉमन, 1.1 इंटू 10^-6 बराबर है, 10^-6 को कॉमन लोगे तो ऐसा आंसर आएगा आपको. क्लास को इट कैन बी रिटन एज 6 माइनस लॉग ऑफ 1.1, प्लस 1.1 का लॉग कुछ तो आंसर आएगा 0. तो आपका आंसर 5 आएगा, वेरी क्लोज टू 6 बट 5 आएगा आएगा. यस सर, आपका आंसर है 5.98. गुड ओके ट्राई 78 नाउ. 74. आज सब बॉयज एब्सेंट है क्या, अमन अमन इज नॉट देयर. हेलो
हाँ सर एब्सेंट है मैम. एब्सेंट है, बाद में पांडे जी एब्सेंट है और बहुत सारे बच्चे. ठीक है देखते हैं. अखिल नायर, दो दो अखिल नायर है. कौन अखिल नायर? यस सर. हाँ आपको समझ में आ रहा है? यस सर. गुड. क्लास 74 देखते हैं. तो क्लास सॉल्यूशन का पीएच कितना है बोलो? वन है. तो एच प्लस साइन कौन सा कितना होगा? फॉर्मूला का एच प्लस साइन का 10 रेस टू माइनस पीएच तो कितना आएगा? 10 रेस टू माइनस 1. ये आपका हो गया सी वन. कितना? 10 रेस टू माइनस 1. ओके सॉल्यूशन कितना है बोलो? वॉल्यूम 1 लीटर. 1 लीटर ओके. तो आपको पीएच कितना करना है बाद में? पीएच 2 करना है, राइट? तो एच प्लस कितना होना चाहिए आपका? 10 रेस टू माइनस 2. 10 रेस माइनस 2. तो वी टू कितना होना चाहिए आपको मालूम नहीं? बराबर है बस. एनीबडी रिमेंबर फॉर्मूला? तो ये आपका सी टू हो गया. सी टू कितना हो गया आपका? 10 रेस टू माइनस 2. एनीबडी रिमेंबर द फॉर्मूला? सी वन वी वन इज इक्वल टू सी टू वी टू. बराबर ना एवरीवन? हाँ या ना? इनिशियल मोलारिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल मोलारिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम. तो 10 रेस टू माइनस 1 इनटू 1 इज इक्वल टू 10 रेस टू माइनस 2 इनटू वी2. तो वी2 का आंसर कितना आएगा? आई थिंक 10 आएगा, राइट? तो बस कितना पानी ऐड करना पड़ेगा? और 10 लीटर नहीं बच्चा, नहीं 10 लीटर नहीं, सोचो 9 लीटर. 9 वेरी गुड. वॉल्यूम ऑफ, आपके पास पहले 1 लीटर सोल्यूशन ऑलरेडी था, उसको 10 लीटर करना है, राइट? ऑलरेडी आपके पास 1 लीटर था, उसको 10 लीटर करना है. फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर होना चाहिए. आपका वॉल्यूम 1 लीटर ऑलरेडी था, उसको 10 लीटर आपको करना है. तो आपको एक्स्ट्रा कितना वॉल्यूम और ऐड करना पड़ेगा? 9 लीटर. आई होप इट इज क्लियर. यस सर. क्लास ऑल 75. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. एनी वेज स्ट्रॉन्ग या वीक बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस, राइट? तो उसका ओ एच एन कौन सा कितना होगा? सी इन टू एन फैक्टर, राइट? कितना जाएगा कॉन्सेंट्रेशन? 10 रेस टू माइनस 3. 10 रेस टू माइनस 3. व्हाट इज एनी फैक्टर ऑफ एनी ओएच? 1. एक ही ओएच है ना, इनटू 1 तो कितना होगा? 10 रेस टू माइनस 3, राइट? तो व्हाट इज फॉर्मूला पी ओएच? माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस आयन. कितना आंसर आएगा आपको? व्हाट आंसर विल गेट? 3, राइट? 3. व्हाट इज योर आंसर? 7. Plus 11. Reason? आपको क्या पूछा है? पीएच पूछा है ना? Yes, sir. पीएच प्लस पीओएच कितना होता है? 14. तो आपको मतलब पीओएच 3 है, तो पीएच 11. 14. तो पीएच इज इक्वल टू 11. समझा? प्लस यहाँ पे बहुत सिली मिस्टेक्स होते रहते हैं, बराबर? एवरीवन हाँ या ना? हाँ सर. इजी था बहुत सारा क्वेश्चन. ओके क्लास 76 का आंसर आप ओरल दे सकते हो. बोलो कोई बोलेगा 76 का आंसर क्या आएगा? मैंने लिख के दिया आपको लास्ट टाइम. सेवन. वेरी गुड. क्या बोला मैंने आपको? क्या बोला था? इफ कॉन्सेंट्रेशन इज क्या? लेस देन 10 रेस टू आपके पास एसिड है हाँ या ना? या बेस भी है?
ये शुड बी वेरी क्लोज टू 7 बट लेस देन 7 तो क्लास ये कंसंट्रेशन 10 टू -10 है तो -7 से बहुत ही कम है ये एवरीवन यस सर -10 -7 से बहुत कम है तो क्लास आपका पीएच क्या आएगा वेरी वेरी क्लोज टू 7 आएगा बट लेस देन 7 अभी उन्होंने लेस देन 7 का ऑप्शन नहीं दिया तो सबसे व्हिच आंसर इज वेरी क्लोज टू 7 ऑप्शन डी राइट ये समझा आपको बाकी लोग प्लीज पूछो नहीं पूछोगे तो आई कांट हेल्प सर एक बार क्लियरली बता दो ना देखो हमने क्या किया था जब आपके पास 10 रेस लास्ट टाइम किया था देखो लिमिटेशन ऑफ पीएच स्केल तो उसमें एक क्वेश्चन था क्या एचसीएल का कांस्टेंट कितना था एच प्लस एन कांस्टेंट कितना था 10 रेस टू -8 था बराबर है तो हम लोग पीएच का फॉर्मूला क्या लेते हैं पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन राइट ऑफ एसिड पर ये माइनस एट जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर में कितना एच प्लस होता है कॉन्सेंट्रेशन 10^-7 ये वाटर का एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन राइट तो इस वैल्यू से जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कम है एसिड का ये कम है ये कम है ना एसिड का तो हमें वाटर का एच प्लस निगलेक्ट नहीं करना है बराबर इस केस में प्लस हम लोग जो अभी तो 2 मिनट पहले क्वेश्चन किया हम लोगों ने तो हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा तो H प्लस फ्रॉम एसिड बराबर है H प्लस फ्रॉम क्या आएगा वाटर अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा करके देखो फिर मैं या फिर बताऊं लॉग टू द बेस 10 ये 10^-8 प्लस 10^-7 राइट इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा माइनस या फिर डायरेक्ट ऐसा आएगा लॉग 7 माइनस इसको अगर सॉल्व करोगे तो अब 10^-7 को कॉमन लो तो आपका आंसर 7 माइनस लॉग 0.1 राइट तो आपका आंसर लॉग 0.1 समथिंग आएगा तो आपका आंसर 6.9 समथिंग आएगा राइट यस सर अब एसिड लो या फिर बेस लो अगर कॉन्सेंट्रेशन 10^-7 से कम है तो आपका आंसर बहुत क्लोज टू 7 आएगा अगर एसिड होगा तो उस आंसर से बहुत क्लोज टू 7 पर 7 से कम आएगा और बेस होगा तो 7 से ज्यादा होगा ठीक है पर उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 7 दिया तो हम उसको 7 देखेंगे गॉट इट एवरीवन यस सर ये था क्वेश्चन नंबर 77 करो 77 10 मोलर सोचो So what is H plus and concentration for 10 molar? Sir, equal to 1. H plus is equal to क्या होगा? C into N factor, right? Concentration कितना दिया है? Concentration? 10 molar. 10 into 1 कितना होगा? 10 ना? बराबर एवरीवन यस सर तो क्लास पीएच का फॉर्मूला क्या है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस तो माइनस लॉग टू द बेस 10 क्लास व्हाट इज लॉग 10 वैल्यू इज 1 माइनस 1 माइनस तो है ना यहां पे दिस वैल्यू इज माइनस 1 राइट बाहर का माइनस आपको अंदर लेना पड़ेगा तो आंसर इज आपका प्लस 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 ने बेटा लेस देन 0 देन 0 माइनस 1 लेस देन 0 होता है ना हां सर हां आपका आंसर माइनस 1 आ गया यस सर प्लस ये भी याद रखो इंपॉर्टेंट है नेगेटिव पीएच भी होता है अगर एसिड बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होता है तो उसका पीएच नेगेटिव भी आ सकता है क्योंकि आपने कभी 0 से नीचे देखा नहीं है तो ऐसा गलतफहमी में मत रहो कि पीएच नेगेटिव नहीं होता पीएच नेगेटिव भी आ सकता है अगर एसिड इज और बेस इज वेरी वेरी कंसंट्रेटेड 78 बहुत सिंपल है जल्दी करो करना है तो 78 फटाफट आप जितना जल्दी करोगे उतने क्वेश्चन बहुत ज्यादा सॉल्व करवाएंगे 78 अगला बोलिए मोलारिटी का फॉर्मूला मोलारिटी इज इक्वल टू मास अपॉन बोलिए मोलार मास एक एक ना किसी को अगर याद है चैप्टर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी तो मोलारिटी इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 इनटू
वॉल्यूम इन लीटर, राइट? पर आ रहा है? यस सर। अगला अगर वॉल्यूम एमएल में लेना है तो 2000 तो क्लास तो यहाँ पे आएगा 1000 एंड वॉल्यूम इन एमएल। क्लास क्विकली बोलो डब्ल्यूडी कितना है, क्विकली डब्ल्यूडी कितना है? 4 ग्राम। बराबर है, 4 ग्राम। ओके, वॉल्यूम मोलर मास ऑफ एनएओएच, एनए प्लस ओ प्लस एच करो, सबको मालूम है बाहर है 23 प्लस 16 प्लस 1 40, राइट? 1000 के वॉल्यूम कितना दिया, 1000 एमएल दिया, राइट? तो आपका सी का आंसर आ गया 0.1। बराबर है, यस सर। ओके, बाद में तो उसका हमें डायरेक्ट एच प्लस मिलेगा, क्लास यहाँ पे छोटा बहुत सीरियस मिस्टेक्स होता है इस चैप्टर में, तो एनएच इज बेस, सबसे पहले वहां पे ध्यान दो एनएच बेस है, इसलिए हम लोग कह देंगे OH इज इक्वल टू बोलिए इनटू एन फैक्टर, राइट? क्योंकि बेस का हमें OH मिलता है, H प्लस नहीं मिलता। आर यू क्लियर? यस सर। हाँ, तो क्लास कितना आएगा आपको? 0.1 इनटू 1, तो दिस इज 10 रेस 2 माइनस 1, राइट? आपको क्या पूछा है? H प्लस। एनीबॉडी कैन गिव आंसर H प्लस कितना होगा? तो क्लास आपको मालूम है product of constant H plus ion and constant OH minus ion is always constant at 290 degrees and that value is 10 raised to minus 40. Plus उन्होंने temperature नहीं दिया तो कितना assume करना हमेशा? 298 Kelvin. आपको बोला था, तो class answer is 10 raised to 30. 10 raised to minus 13 beta. Minus 30. Is it clear everyone? Yes sir. देखो एक बार अच्छे से कैसे किया है। तो यहाँ पे दो चीजों जगह पे मतलब सिली मिस्टेक होने का चांसेस था कि NH बेस है वो लो और आपको OH पूछा नहीं है, आपको H पूछा है, तो पहले आप OH निकालो और बाद में H निकालो। आई होप इट इज क्लियर सर। बोलिए सर, एक चीज पूछो क्या? हाँ बोलो ना सर। ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है ना, उसमें जो हमारा स्टेट बोर्ड का इसमें अगर क्वेश्चन आया मतलब लाइक एक्सप्लेन एंथैल्पी ऑफ ट्रांस मतलब फ्यूजन वगैरह वगैरह, तो तभी हमें जब एग्जांपल लिखेंगे तो तभी हमें सारे एंथैल्पी का वैल्यू याद रखना जरूरी है। अरे मैंने आपको सिखा था, क्या बोला था, एक भी वैल्यू याद नहीं रखना है, पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं याद रखता, और ये आपसे इसी में आप रिएक्शन भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर आप लिखोगे ना अगर आपको रिएक्शन आता है, फॉर एग्जांपल एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो आप सिंपली इतना लिखो क्या HCl plus NaOH gives you NaCl plus H2O, बाद में लिखो डेल्टा H is equal to X किलो जूल पर मोल, ऐसे लिखो। ओके सर, लिखा है कि मैंने बोल चुका हूँ बहुत बार कि क्लियरली बोला है कि आपको वैल्यूज हाइड नहीं करना, कोई कर भी नहीं सकता, कितना वैल्यूज है कितना हाइड कर सकते हैं बोलो। कुछ मीनिंगलेस है ना वैल्यूज बाहर करना एंथैल्पीज का, नो नो, आपको ऐसा क्लियरली मेंशन है, और पी ब्लॉक में भी बहुत सारा वैल्यूज है आपको वो भी बाहर नहीं करना, एटॉमिक रेडियस, ये इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी सब, आपको जितने टेबल्स दिख रहे हैं ना टेक्स्ट बुक में वैल्यूज वाले, वो एक भी बाहर नहीं करना आपको। ओके 78 था, 79 ये आप करो, ये बहुत सिंपल है 79। और क्लास कभी कभी आपको अगर दिखा, देखो अगर आपको लिखा रहेगा H3O plus ion, क्लास H3O plus ion का प्रॉपर्टी किसके जैसा होता है बोलो एग्जैक्टली? प्लस आयन का, प्लस आयन जैसा, तो अगर H3O plus H plus को आप सेम ले सकते हो। 79 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बी फास्ट। तो क्लास आपका हाइड्रोनियम आयन या फिर H प्लस आयन कितना है बोलो? 4, एन रेस टू माइनस 10 है, राइट? हम लोग 79 कर रहे हैं ना, 4 आंसर 4 है, राइट? तो OH कितना आएगा बोलो?
10 माइनस 4 आएगा राइट बिकॉज एच प्लस इन टू OH होता सर, है सर पीएच कैलकुलेट करके फिर लास्ट में भी चेंज कर सकते हाँ कैसे हाँ वो भी चलेगा पर वो लेंदी हो जाएगा चलेगा आप जैसा आपको जो इजी पड़ा जैसे आपको पहले सोचा वो आपका आंसर तो आपका पीओच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस आयन दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 10 रेस टू माइनस आंसर विल बी 4 गुड क्वेश्चन नंबर 80 क्विकली क्वेश्चन नंबर 80 ये हमने कर चुका है थियोरी में तेरी मतलब क्लाइस्टर सुपर इज स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एच प्लस इज सी इनटू एन फैक्टर राइट सी कितना दिया आपको आपको उन्होंने 0.005 इनटू 10 रेस टू कितना माइनस सिक्स एन फैक्टर कितना इसका एच टू 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 वाई एच टू सुपर गिव्स यू टू एच प्लस तो टू तो आपका आंसर आएगा 10^2 माइनस टू ना 5 to the 10 यस सर आपका पीएच आएगा टू इजी हाँ प्लस 81 करो पीएच 10 पूछा है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है सिंपल बट ट्रिकी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ना वेरी गुड रीजन प्लस पीएच 10 बोला तो एसिड होगा बेस होगा बेस होगा बेस होगा राइट डेफिनेटली बेस होगा तो आपका सी और डी बी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है राइट तो क्लास सी क्यों नहीं हो सकता बिकॉज वो एसिड है एसिड का पीएच 7 से ज्यादा नहीं जा सकता तो आपका आंसर बचा कौन सा सिर्फ बी बी आप सॉल्व भी कर सकते हो पर लॉजिकली करो प्लस अगर ये बेस है कौन पीएच 10 है तो हैज टू बी बेस जिसका कॉन्सेंट 10 माइनस 10 होगा तो क्लास कौन सा बेस है जहां पे 10 माइनस 10 कॉन्सेंट है ऑप्शन बी है बराबर है गुड एक सेकेंड क्लास 82 देखो ये तो डायरेक्ट ओरली आप कर सकते हो एनीबडी क्लास जितना ज्यादा पीएच उतना स्ट्रॉन्ग सॉरी एसिड का पीएच अगर ज्यादा होता है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है वीक होता है आपके दो एसिड है पीएच 1 एंड पीएच 5 व्हिच इज वीक स्ट्रॉन्ग एसिड पीएच 1 और पीएच 5 ऑप्शन ए यहां पे ऑप्शन है वेरी गुड रीजन सर बेस का जितना ज्यादा रहेगा उसका मोलर मास भी ज्यादा है पोटेशियम ऑप्शन देखो एक्चुअली उन्होंने जो दिया है ना उनको एक्चुअली यहाँ पे ना ऑप्शन दो आएंगे ए और बी दोनों आंसर आएंगे उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम रॉन्ग किया बिकॉज के ओएच आने में दोनों भी क्या बोलो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेस और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने एग्जैक्टली सेम दिया तो दोनों का पीएच भी एग्जैक्टली क्या होगा सेम ही होगा सेम उन्होंने कहा ना क्या मैं बताता हूँ उन्होंने क्या किया है क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त उन्होंने सी एंड डी ये वीक बेसिस है उन्होंने दिमाग में नहीं रखा खुद के ठीक है तो क्वेश्चन रॉन्ग फ्रेम हो चुका है उनसे
100% मैं इसको बता सकता हूँ, क्वेश्चन रॉन्ग फ्रेम हुआ है. ओके, उन्होंने क्या कंसिडर नहीं किया बोलो, कि सी एंड डी क्या है, वीक बेस है. उन्होंने सबको स्ट्रॉन्ग बेस अज्यूम करके क्वेश्चन फ्रेम किया है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आ गया. नहीं तो या तो ए या तो बी, दोनों आंसर में होते हैं. चलो एक काम करता हूँ, अगर KOH M by 4 होता और NaOH M by 2 होता तो आपका आंसर क्या होता? KOH M by 4 है और NaOH M by 2 है, क्या होता? B. B आता. क्यों? जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा इसका पीएच ज्यादा. बराबर, ज्यादा. गुड, 83 ट्राई करो, ये इजी है. सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो. प्लस के कितना दिया है? 10^-5. Now what is C? Number of moles upon volume, right? Concentration. Molarity का formula क्या है? Number of moles of solute upon volume in liter, बरा? Yes. Yes, sir. Number of moles of solute upon volume in liter. Okay, how many moles are given? 0.1. How much solution? 1 liter. तो अगर volume ml में तो हम लोग 1000 ml लेते, right? पर उन्होंने वॉल्यूम डायरेक्टली लीटर में दिया तो 1000 लीटर की जरूरत है या नहीं है? नहीं है. नहीं है, राइट. तो 0.1 अपॉन 1 कितना होगा? 0.1 मोल पर लीटर. ओके, प्लस अगर आपको मालूम है ओसवाल डाइल्यूशन लॉ, तो उन्होंने पूछा आपको अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ ए अपॉन सी. चेक करो एंड गेट द आंसर. करो सॉल्व करो, 10^-5 से आंसर आएगा, देख के पता चल रहा है. तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ के? 10^-5, राइट. और ये 10^-1, राइट, रूट के अंदर. तो क्लास ये होगा 10^-4 रूट के अंदर, राइट. बाहर निकालोगे तो बोलो 10^-2. तो हाउ टू फाइंड परसेंटेज अल्फा इनटू 100. तो 10^-2 इनटू 100 कितना आएगा आंसर? 1. ऑप्शन है, ऑप्शन ए. ऑप्शन ए क्लियर है? यस सर. अब 84 करो फटाफट. प्लस फॉर वीक एसिड क्या निकला हमने फॉर्मूला? H प्लस इज इक्वल टू प्लस, पहले C कितना दिया है? 0.05 right? 0.005 तो 5 into 10^-3 मोलर, right? pH कितना दिया? 5, right? अगर pH 5 है बोलो तो H प्लस कितना होगा बोलो? एनीबडी क्विकली. 10^-5. वेरी गुड. क्या फॉर्मूला है? 10^-2 pH फॉर्मूला, राइट. तो 10^-5. ओके क्लास, अगर आपको मैंने फॉर्मूला लिख के दिया है, कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है आपको फॉर वीक एसिड? फॉर वीक एसिड H प्लस आयनिक कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी. देखो ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा है क्या आप लोगों ने? For weak acid, क्लास मेरा आवाज आ रहा है आपको? Yes sir. देखो ऐसा फॉर्मूला लिखा है क्या? For weak acid, strong के लिए तो H plus is equal to क्या था? C into n factor. For weak के लिए क्या था? या तो alpha into C था या फिर root of K into C था. बराबर है? तो यहाँ पर K दिया नहीं आपको, alpha दिया है. सॉरी, K ने आपको alpha पूछा, तो हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला लेंगे. तो क्लास डायरेक्ट पुट द वैल्यूज, तो आपका आपका H प्लस 10^-5 है, बराबर है. अल्फा आपको फाइंड करना है और सी आपका कितना है? 5 इंटू
10 raise to minus 3, right? So alpha is equal to 10 raise to minus 5 divided by 5 into 10 raise to minus 3. So class 0.2 into 10 raise to minus 2. बराबर है? मतलब कितना आएगा? ये अल्फा आ गया राइट, आपको पर्सनल अल्फा पूछा है तो इसको ऐसे रहने दो। पर्सनल अल्फा क्या होता है बोलो? अल्फा इनटू 100, तो 0.2 इनटू 10 रेस टू माइनस 2 इनटू 100 आंसर आएगा आपका 0.2। चेक करो ऑप्शन बी। यार सब लोगों को एवरीवन जल्दी जल्दी बोलो। हाँ सर। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 84 होगा ना अपना अभी, हाँ 85। So what is concentration C1 for base? 1 milliliter. 0.1 molar. Check karo. Yes, sir. What is volume of base? 1 milliliter. 1 ml, right? Plus, उसको कितना dilute किया बोलो? 200 ml. उसका volume 100 ml किया, right? बोल रहा हूँ ना मैं। तो उसका कौन सा कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। प्लस बोलो फॉर्मूला। C1V1 इक्वल टू C2V2। देखो C2 कितना आएगा? 0.1 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 100, राइट? 10 टू माइनस 3। बराबर है? ओके क्लास आगे। पीएच कितना दिया बेस का? पीएच नहीं दिया, केबी वैल्यू। हाँ रुको, केबी दिया, कितना दिया केबी? 10 रेस टू माइनस 5। ओके बराबर है। तो क्लास वो चाहे कौन सा निशान है बड़ी फॉर्मूला फॉर वीक बेस ओच इज इक्वल टू रूट ऑफ के बी इंटू सी। देखो ऐसा फॉर्मूला है क्या? नहीं सर है ना, फॉर वीक बेस प्लस दो फॉर्मूला एक्चुअली। एक फॉर्मूला क्या बोलो? ओच इज अल्फा इंटू सी, राइट? आपको डिराइव करके ओच इज अल्फा इंटू सी, बट क्लास व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज इक्वल रूट ऑफ के बी अपॉन सी, राइट? अगर वो सी को अंदर लेंगे तो आपको 10 रेस टू माइनस 5, राइट? और सी 10 रेस टू माइनस 3 है आई थिंक, मुझे चेक करना है एक बार। माइनस 5 एंड 10 रेस टू माइनस 3 क्लास ये रूट के अंदर है, क्लास को बाहर निकलोगे कितना आएगा? 10 रेस टू माइनस 4, राइट? तो आपको पीओच आएगा कितना आएगा? क्लास में आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आंसर। पीएच कितना आएगा? 10 है ऑप्शन में, ऑप्शन सी। सी क्लास 86 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने लिखा था higher the value of Ka, hello? Stronger the acid. Bolo abhi answer. Stronger. Answer bolo. Stronger the acid. Kaun sa answer matlab aapko? Hypochlorous option B. B na? Yes sir. Dekhne do, hypochlorous ka kitna value hai? Abhi dekhte hain, bahut complicated likhte hain. 3. Ha, 3 hai.
नहीं, पर उसका 10^-8 है ना हाइपोक्लोरस का, तो उससे भी ज्यादा वाला 1.7 10^-5 है, ये है 3 है। yes. तो सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा 1.8 वाला कौन है, फॉर्मिक एसिड वाला कौन है, फॉर्मिक है राइट, तो उसका के सबसे ज्यादा राइट। चलो लिखते हैं हम लोग फॉर्मिक, फॉर्मिक मुझे बोलते जाओ फॉर्मिक का कितना है, जल्दी बोलते जाओ। 1.8 × 10^-5 तो क्लास का नंबर देंगे तो ये सबसे ज्यादा है राइट। यस सर, ये सेकंड नंबर पर है, थर्ड नंबर पे, तो फॉर्मिक बाद में एसिडिक बाद में हाइपोक्लोरस, ऑप्शन ऑप्शन बी। समझा कैसे क्या? हां सर। ओके 87, ऐसा कुछ आपने नहीं किया 87 जैसा, ट्राई करो देखो। 87 फर्स्ट डिसोसिएशन कौन सा राइट, तो हाउ H2O डिसोसिएट, पहले वो देखो। H2 डिसोसिएशन टू स्टेप, पहला स्टेप में क्या आपको मिलेगा बोलो, H plus and H A minus, right? This is first dissociation. Plus second dissociation क्या होगा बोलो? Minus gives you H minus H plus H plus and A minus minus two. Try करो अभी, देखो क्या होगा। तो plus पहले चलो इसको ऐसे करते हैं, better रहेगा। ये H2 है राइट, ये जो H प्लस है उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा राइट, लेट अस कॉल द डिसोसिएशन कांस्टेंट एज K1 प्लस, K1 कैसा आएगा बोलो, कांस्टेंटेशन ऑफ H प्लस बराबर है इनटू कांस्टेंटेशन ऑफ H A माइनस, एग्री? मतलब बोलते जाओ आप। यस सर। यू आर एड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O H2A बराबर है, प्लस दूसरा H A minus gives you H plus and A raised to minus 2. How do you do that? K2 na? K2. Mega. H plus A to minus upon H A minus. सर आपका स्क्रीन लैग हो रहा है क्या ऐसा बीच बीच में? मालूम नहीं, अभी नेटवर्क का थोड़ा इशू होगा तो हो सकता है, थोड़ा थोड़ा हो सकता है। नहीं मैं रुकता, आराम से लिखता हूँ, ठीक है? हाँ सर, चलिए। और पूछा क्या उन्होंने, ओवरऑल डिजाइन कौन सा राइट, तो ओवरऑल कैसा होता है, तो मैं ऐसे लिखता है H2A डायरेक्टली ऐसे लिखता मैं क्या 2H+ + A मैं ऐसा करता, तो उससे भी ज्यादा अच्छा क्या है ओवरऑल डिजाइन कांस्टेंट क्या होता है आपका, सपोज इफ आई K1 * K2 क्या होगा बोलो, K1 * K2 H+ * बोलिए HA- राइट, यस सर, divided by H2A into बोलो H+ into A^2 - right, divided by HA-, बता ना, तो क्लास कैंसिल क्या होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल बता रहे, और कुछ कैंसिल नहीं ना, नहीं बस, तो क्लास दिस कैन बी रिटन एज H+cos² राइट इनटू A^2 - 2 राइट डिवाइडेड बाय H2A। फाइनली आपको वही हो रहा है ना, क्या हो रहा है बोलो आपका, H2O इज गिविंग यू व्हाट, क्या दे रहा है आपको 2H+ बराबर ना H+ A - 2 यही हो रहा है, तो
अगला इसके लिए इक्वेशन वैलिड है? यस सर। ठीक है, हम लोग काम करते हैं इसको थोड़ा सा, और ये आपको समझाया, मैं वापस लिखूं पूरा, बताओ आपको मैं लॉजिक? नहीं सर, समझा। तो अगर आपको आपको पूछा किसके ओरल के लिए पूछा, राइट? ओरल के लिए पूछा मतलब आपको इसके लिए पूछा, बरा ना? तो इसके लिए आपको आंसर ये आना चाहिए, राइट? ये वाला बराबर। तो ये कैसा है आपको, हाउ यू आर गेटिंग दिस टेल मी? K1 into K2, राइट? बराबर है। लेट मी गिव इक्वेशन नंबर 1, और इसका इसका K कितना आ रहा है बोलो? H plus raised to 2 into A raised to minus 2 divided by H. Let me give equation number 2, right? तो बस अगर 1 and 2 को compare करोगे तो क्या होगा बोलो? Compare 1 and 2. K1 into K2 equals to K. यार किधर गया? बहुत नीचे चला गया। तो you get K is equal to तो K is equal to K1 into K2. क्लास आपको K1 and K2 का वैल्यू दिया है क्या? आपको K1 and K2 का वैल्यू दिया? हाँ सर दिया है। 10^-5 into 5 × 10^-10. आपका आंसर होगा 5 × 10^-15. ऑप्शन है ऑप्शन सी, करेक्ट है? ऑप्शन डी सी या हाँ डी सॉरी डी तो क्लास 88 भी आपको सिंपल है, जिसका के ज्यादा वो ऐसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, राइट? हाँ ये 89 भी वो सेम क्वेश्चन टाइप आ रहा है। हाँ क्लास क्वेश्चन नंबर 90 क्लास क्या बोलते हम लोग? हायर द वैल्यू ऑफ के बोलो, स्ट्रॉन्गर द एसिड। Plus, lower the value of K. Lower the value of EKA. क्या होगा बोलो? Stronger the acid. हमने लिखा, right? Acid. Acid का strong होने के लिए K ज़्यादा होना चाहिए और PKA क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. तो plus, which option? Option B. B. बराबर ना, biology वाला B बराबर? Yes sir. Good. अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, एक बार पढ़ लो, मुझे याद है किया था क्वेश्चन। तो बस एसिड HA1 का अल्फा क्या होगा बोलो? रूट ऑफ KA1 into C, बराबर है ना? प्लस एसिड HA2 का अल्फा 2 क्या होगा बोलो? रूट ऑफ KA2 into C. ये ठीक है? प्लस दोनों के एसिड का स्ट्रेन कंपेयर करना है तो दोनों का कॉन्स्टेंट सेम होना चाहिए, स्ट्रेन कंपेयर करना। तो प्लस α1 अपॉन α2 क्या आएगा बोलो? रूट ऑफ K1 upon K2, बराबर ना? तो लो, व्हाट इज K1 वैल्यू? 3.14 into 10 raised to minus 4. और ये 1.96. अच्छा, 1.96, 3.14 कुछ रिलेशन होगा, देखो चेक करो, 1.96 टू द करके देखो।
प्लस या फिर ऐसे करो 3 1, ये बेटर रहेगा ना आपके लिए, क्या 314 डिवाइडेड बाय 196। अभी आप कैंसिलेशन करो, देखो कितना आता है, 2 का टेबल 4 का टेबल, देखो क्या अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आता है बताओ मुझे। ये कैलकुलेशन करो या तो किसके ऊपर, कैलकुलेटर के ऊपर क्या तो भी चलेगा, मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। 314 डिवाइडेड बाय 196 क्लास बेबी। क्लास में 92 हम लोग क्वेश्चन आज कर सकते हैं, एक क्वेश्चन और, मुझे मालूम है आप थक गए हो, फिर भी 92 हम लोग कर सकते हैं। 92 देखो थोड़ा सा आपको शायद ट्रिकी लगे पर इजी है। 92 प्लस लेट स्टार्ट, प्लस के ए कितना होगा बोले, के कितना होगा H3O+ राइट, इनटू F- डिवाइडेड बाय HF इनटू H2 एंड H इनटू H2 H2 प्लस H2 को नहीं लेते हम, याद रखो कभी भी हम लोग वाटर को इक्विलिब्रियम में नहीं लेते, याद रहेगा सब लोग को। When you write the A, when you write also dilution law, we don't take water in the equation. Are you clear? Yes, sir. लिया तो भी क्या हो जाएगा, problem नहीं है, दूसरे में water है तो इसलिए cancel होगा, पर नहीं होता तो आपका problem हो जाता, right? तो never take water in this equation K and KB का। हाँ, class KB कितना है बोलो? HF into OH minus upon F minus into divided by F minus. F minus. तो हम K into KB करके देखते हैं, देखो K into KB करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो H3O+ upon OH minus. H3O+ upon OH minus आएगा। चलो K into KB करके देखते हैं, KA into KB, तो H3O plus, I'm sorry, actually आपको ना सब ऑप्शन देख के करके देखना पड़ेगा, H3O plus into F minus right upon H3O plus into H minus बराबर into क्या आएगा बोलो, HF upon OH minus upon F minus. F minus cancel. HF HF cancel, right? तो क्लास क्या बचेगा आपका, K into KB KW into OH minus, क्लास ये किसका